तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि प्लेन एंगल का यूनिट। तो प्लेन एंगल को मेजर करने का जो यूनिट है वो दो होता है, एक होता है डिग्री, एक होता है रेडियन। अब बताता हूँ, जैसे कि अगर किसी पर्सन की हाइट मेजरमेंट करनी है, तो अगर कह रहा है कि उसकी हाइट सपोज करिए 2 मीटर है, तो कोई ये भी कह सकता है कि उसकी हाइट 200 सेंटीमीटर है, अब कुछ भी गलत नहीं है। यानी हाइट को मेजर करने के बहुत सारे यूनिट है, मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, किलोमीटर है, बहुत सारे यूनिट है। तो अगर एक ही फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के बहुत सारे यूनिट हैं तो उनमें एक रिलेशनशिप भी तो होना चाहिए। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा या 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, जब एक रिलेशनशिप होगा तभी तो आप उनका मतलब समझ पाएंगे। जैसे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो कोई कहे कि 2 मीटर है, तो आप उसे सेंटीमीटर में भी समझ पा रहे हैं कि वो सेंटीमीटर में कितना होगा, और सेंटीमीटर में वैल्यू दीजिए तो आपको मीटर में समझ में जाएगा। तो जिस तरीके से लेंथ को मेजर करने के हमारे पास मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, बहुत सारे यूनिट है, और उनमें एक फिक्स रिलेशन है जिसको हम लोग कन्वर्जन फैक्टर बोलते हैं, उसी तरीके से प्लेन एंगल को मेजर करने के, जैसे कि इस एंगल को, अगर ये एंगल 30 डिग्री है, थीटा है, तो इस थीटा के मेजर करने के दो यूनिट है हमारे पास, एक है डिग्री, एक है रेडियन। तो अगर एक डिग्री और एक रेडियन है और ये दोनों ही एक ही एंगल को मेजर कर रहे हैं, तो इन दोनों में भी तो एक पर्टिकुलर रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि जब तक रिलेशन नहीं होगा तब तक आप कैसे पता कर सकते हो कि डिग्री और रेडियन में कौन कितना है। डिग्री इतना डिग्री है तो करस्पॉन्डिंग रेडियन में कितना होगा। जैसे आप नहीं कह रहे कि मीटर और सेंटीमीटर में एक फिक्स रिलेशन है, उसी तरीके से डिग्री और रेडियन में भी होना चाहिए, तभी तो कहोगे कि उसको एक सेम यूनिट को ये मेजर कर रहे हैं दोनों मिलके। तो कन्वर्जन फैक्टर होता है, और जो कन्वर्जन फैक्टर होता है हम उसको याद रखेंगे, वो होता है पाई रेडियन, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको याद रखें, पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, और इसी को हम बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर। और यूनिटरी मेथड लगाएंगे रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए, डिग्री को रेडियन में बदलने के। जैसे कोई कहे कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, तो कोई पूछे कि बताइए 1 रेडियन में कितना डिग्री होगा, 1 रेडियन में कितना डिग्री, यूनिटरी मेथड पाई रेडियन में 180 डिग्री, तो 1 रेडियन में 180 अपॉन पाई डिग्री। या कोई कहे कि 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो बताओ 1 डिग्री में कितने रेडियन, तो 1 डिग्री में कितने रेडियन, 180 से भाग कर दो इधर, मतलब आपको यूनिटरी मेथड लगा रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ एंगल को कन्वर्ट करना सीखेंगे। जैसे अगर कोई कहे आपसे कि 30 डिग्री को रेडियन में बदलिए, 45 डिग्री को रेडियन में बदलिए, 60 डिग्री को रेडियन में बदलिए, 90 डिग्री को रेडियन में बदलिए, या 120 डिग्री को रेडियन में बदलिए, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। जैसे यहाँ पे कोई कह रहा है 30 डिग्री रेडियन में बदलिए, 30 डिग्री को रेडियन में बदलिए, तो इधर से लाएंगे, इधर से लिखेंगे 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 180 डिग्री और पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में कितने रेडियन, पाई अपान 180 रेडियन, 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में कितने रेडियन, पाई अपान 180 रेडियन, तो 30 कहाँ से बताना है, तो 30 डिग्री में कितना रेडियन, तो पाई अपान 180 इंटू 30, मतलब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना यूनिटरी मेथड, तो वैल्यू क्या जाएगी, पाई अपान 6, क्योंकि 30 है या 80 है तो 0 0 कटेगा, और 6 इंटू 3 जा 18, तो पाई बाई 6 रेडियन बन गया। इसका मतलब 30 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई बाई 6 रेडियन होगा। द सेम 45 डिग्री पता करना है, तो 180 में पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में पाई अपान 180, तो 45 डिग्री में क्या होगा, पाई अपान 180 इंटू 45, तो पाई अपान 1 इंटू 45 करेंगे ना, तो आ जाएगा पाई बाई 4, मतलब पाई अपान 180 इंटू 45 आएगा, और ये इस 45 ये कैंसिल आउट होगा तो 4 हो जाएगा, तो पाई बाई 4, इसका मतलब 45 डिग्री क्या होता है, पाई बाई 4 होता है। उसी तरीके से आप 60 को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जहाँ 45 वहाँ पे 60, तो यहाँ पे 60 यहाँ पे 180, तो ये 3 बन जाएगा ना, इट इज़ पाई बाई 3। उसी तरीके से आप 90 को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पाई बाई 2। उसी तरीके से 120 को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि आएगा 2π/3 रेडियन। अभी जो भी वैल्यू हम मार्क कर रहे हैं ब्रैकेट में ना, इस ब्रैकेट में वैल्यू को आपको याद करना है, क्यों, क्योंकि इसका बहुत आप यूज़ करेंगे कैलकुलेशंस में। 30 डिग्री में कितना रेडियन, पाई बाय 6, 45 डिग्री में कितना रेडियन, पाई बाय 4, 60 डिग्री में कितना रेडियन, पाई बाय 3, 90 डिग्री में कितना रेडियन, पाई बाय 2, 120 डिग्री में कितना रेडियन, 2π/3, और पाई रेडियन में 180 डिग्री, इसे याद करना है।
हमने कुछ पर्टिकुलर वैल्यू को रेडियन बदल ली। अब कुछ वैल्यू जैसे कोई कहे कि 500 डिग्री को कन्वर्ट करिए रेडियन में कितना होगा, तो फिर यूनिटी मेथड लगाएंगे कैसे, 180 डिग्री में पाई रेडियन ऐसे लिखेंगे, 180 डिग्री में कितना रेडियन होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में कितना होगा पाई अपान 180, तो बताइए 500 डिग्री में कितना होगा, तो पाई अपान 180 इंटू 500, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 50 पाई अपान 18 रेडियन। हो गया, तो हमने कन्वर्ट कर दी 500 डिग्री इक्वल्स टू 50 अपन पाई रेडियन, क्योंकि जीरो से जीरो कटेगा ना, तो 50 18 हो गया आंसर। तो इस तरीके से आप किसी भी डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं विद हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड्स। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर हम लोग डिग्री को रेडियन में बदल रहे हैं तो रेडियन को भी तो डिग्री बदल सकते हैं, तो रेडियन को डिग्री बदलना है। जैसे क्वेश्चन में कहता है कि आप कन्वर्ट करिए 2π/3 रेडियन को डिग्री में बदलिए, इसको डिग्री में बदलिए, तो कुछ नहीं सोचना है, ये क्या लिखा हुआ पाई रेडियन लिखा हुआ पाई रेडियन, देखिए तो आपने क्या लिखा है पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो जहाँ पे लिखा गया पाई रेडियन आप वहाँ पे सीधे क्या लिख सकते हैं 2π/3 पाई रेडियन की जगह पे सीधे 180 डिग्री, तो वैल्यू क्या चाहिए देखिए 120 डिग्री आ जाएगी, कैसे 3 180 से 120 डिग्री हो गया। इसका मतलब पता है रेडियन को डिग्री में बदलना तो बहुत आसान है, जहाँ लिखा होगा रेडियन उसमें पाई होगा और पाई के जगह पे सीधे क्या लिख दीजिए 180, पाई के पे 180 लिखिए आंसर आ जाएगा। इसे कोई क्या है ये भी देखिए, कोई क्या कि π/6 को डिग्री में बदलिए, तो पाई के जगह लिख दीजिए 180 भाई, पाई बराबर 180 तो पाई के जगह लिखिए 180 तो 180 अपॉन 6 30, पाई अपन 4 चाहिए तो पाई पे 180 अपन 4 45 आएगा, पाई बाई 3 तो पाई पे 180 रख दीजिए तो 3 180 60। मतलब अब मैं चाहूँ तो किसी भी रेडियन को डिग्री बदल सकता हूँ, जैसे कोई क्या है कि 7π/3 को डिग्री बदलिए, तो आप क्या करेंगे 7π/3 इंटू पाई जब क्या लिखेंगे 180, तो ये कितना आ गया 7 × 6 इट इज 720 डिग्री आंसर। तो आप रेडियन को पाई बदल सकते हैं, पाई को रेडियन बदल सकते हैं, ये तो हमको समझ में आ गया। एक और सी ध्यान रखेंगे पाई की वैल्यूज, पाई एक इरेशनल नंबर है बट कैलकुलेशन में इसकी वैल्यू हम लोग लगभग 3.14 बोलते हैं या कभी कभी 22/7 से काम चला लेते हैं, तो जब भी कैलकुलेशन करना होगा और पाई की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग पाई जब क्या लिखेंगे 3.14 या 22/7। ओके चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लेंथ ऑफ सर्कुलर आर्क, अगला टॉपिक है इसका लेंथ ऑफ सर्कुलर आर्क, लेंथ ऑफ सर्कुलर आर्क, लेंथ ऑफ सर्कुलर आर्क। चलिए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक सर्कल है इसका रेडियस दिया गया आर, तो बताइए कि इस सर्कल का पेरीमीटर कितना है, सर्कमफ्रेंस कितना है। तो अगर आपको सर्कमफ्रेंस पता करना हो यानी पेरीमीटर, तो कितना आएगा 2πr आएगा, आएगा सर्कमफ्रेंस होगा 2πr। अब मैं चाहता हूँ कि इसको चार भाग में बांट देना, चार भाग में बांटना चाहता हूँ। तो कोई पूछे कि बताओ सिर्फ ये लेंथ कितना है, सिर्फ ये लेंथ कितना है, तो यार अगर और ये लेंथ सब बराबरी होगा ना, समझ रहे हैं क्यों बराबर होगा, क्योंकि अगर हमने चार इक्वल पार्ट में बांटा है तो ये लेंथ बराबर ही आएगा। और आप कह रहे हो कि टोटल लेंथ क्या है 2πr के बराबर है, टोटल लेंथ 2πr के बराबर है, सर्कमफ्रेंस 2πr है, तो मैं पूछूंगा बताइए इसका लेंथ कितना होगा, मतलब अगर ये ए है ये बी है तो इस ए बी आर्क का लेंथ कितना होगा, तो ए बी आर्क का लेंथ कितना होगा, अगर लेंथ ए बी आर्क का चाहिए तो टोटल लेंथ है 2πr, क्या मुझे इसी को डिवाइड कर देना चाहिए 4 से, भाई चार भाग में बांटे हैं ना 4 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी π/2 इंटू आर आ गई, क्योंकि 2 π/2 इंटू आर। अच्छा अगर आप सही से देखिए, सही से दिमाग लगाइए, तो ये जो आर्क है वो अपने सेंटर पे कितना एंगल सफिशिएंट किया है 90 डिग्री। तो ये जो आर्क है अपने सेंटर पे 90 डिग्री एंगल सफिशिएंट कर रहा है, 90 डिग्री सफिशिएंट कर रहा है।
तो इस आर्क का लेंथ क्या आ रहा है, पाई बाई टू आर। अच्छा ये पाई बाई टू है क्या, ये पाई बाई टू इसी 90 डिग्री का तो रेडियन में वैल्यू है, अभी तुमने लिखा था देखिए 90 डिग्री की पाई बाई टू। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस आर्क का लेंथ निकालना है तो इस आर्क का लेंथ बराबर किसका होगा, रेडियस आर इंटू इस आर्क ने अपने सेंटर पे कितना एंगल सस्टेन किया है, वो भी किस में, रेडियन में, क्योंकि पाई बाई टू आ गया। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि अगर एक सर्कुलर आर्क है इस तरीके से, और कहूँ मैं आपको कि ये वाला एंगल थीटा है और अपने सेंटर, इंपॉर्टेंट वर्ड है सेंटर पे सस्टेन कर रहा है, और इसका रेडियस आर है, तो कोई पूछे कि इसका लेंथ, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ किसके बराबर है, तो मैं लिखूँगा लेंथ ऑफ सर्कुलर आर्क इज एल इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, बट थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में, थीटा इज इन रेडियन, इज इन रेडियन, थीटा रेडियन में होना चाहिए। तो एक तो पॉइंट है इसके अंदर कि थीटा रेडियन होना चाहिए, दूसरा पॉइंट हम इसमें क्या लिखेंगे कि थीटा इज एंगल मेड बाय सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर, वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल मेड बाय सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर, एट इट्स सेंटर इज इंपॉर्टेंट, थीटा इज एंगल मेड बाय सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर, ये सेकेंड पॉइंट बन गया। थर्ड जो हमें याद रखना है, आर का यूनिट और एल का यूनिट एग्जैक्टली सेम होगा, थीटा का कोई यूनिट नहीं होगा, यहाँ पे डायमेंशन कोई नहीं होगा, तो आर का डायमेंशन और एल का डायमेंशन सेम होगा। कोई पूछे कि अगर रेडियस मीटर में है तो लेंथ किस में आएगा, मीटर में, रेडियस सेंटीमीटर है लेंथ किस में आएगा, सेंटीमीटर में। तो मैं लिख सकता हूँ कि यूनिट ऑफ आर एंड एल विल बी सेम। हम ये नहीं कहेंगे कि रेडियस सेंटीमीटर में है और थीटा रेडियन में है तो हम लेंथ लिख दें क्या, सेंटीमीटर रेडियन, सेंटीमीटर रेडियन लेंथ क्या होता है, कुछ नहीं होता है। ओके, तो मैं आपको बता दूं दोबारा कि एक सर्कुलर आर्क अपने सेंटर पे थीटा एंगल सस्टेन कर रहा है, तो कोई पूछे कि उस सर्कुलर आर्क का लेंथ कितना है, आंसर इज आर थीटा, वेर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क एंड थीटा इज एंगल मेड बाय सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर, एट इट्स सेंटर इज इंपॉर्टेंट वर्ड, एंड थीटा शुड बी रेडियन। एंड थर्ड पॉइंट कि आर का यूनिट और एल का यूनिट सेम होगा। ओके, अच्छा ये जो भी मैंने डिराइव किया है एल बराबर आर थीटा, मैं इसके सहायता से डिराइव किया, आप इसके अलावा भी डिराइव कर सकते हो, कैसे देखिए इसी का डेरिवेशन। अगर मैं कहूँ कि एक सर्कल है, तो एक सर्कल अपने चारों तरफ जो एंगल सस्टेन करता है उस एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 360, और 360 को अगर रेडियन बदलना है तो कितना रेडियन आएगा, 2 पाई। कैसे, 180 डिग्री बराबर कितना है, पाई रेडियन, तो 360 बराबर क्या होगा, 2 पाई रेडियन। तो मैं क्या कहूँगा कि 2 पाई रेडियन अगर एंगल सस्टेंड हो रहा है तो लेंथ क्या आएगा, 2 पाई आर, मतलब ये पूरा सर्कल अपने सेंटर पे 2 पाई एंगल सस्टेंड किया तो लेंथ है 2 पाई आर। अगर यही कोई आर्क सिर्फ थीटा एंगल सस्टेंड करता तो कितना लेंथ आता, तो 2 पाई एंगल है तो लेंथ 2 पाई आर, अगर 1 एंगल होगा तो लेंथ क्या होगा, 2 पाई आर अपॉन 2 पाई होगा, और अगर ये एंगल थीटा सस्टेंड होता सिर्फ तो मतलब थीटा ही करस्पॉन्डिंग वाला लेंथ, अगर थीटा ही करस्पॉन्डिंग वाला लेंथ तो बनेगा 2 पाई आर डिवाइड बाई 2 पाई इंटू थीटा, 2 पाई से 2 पाई कट गया, आ गया ना आर थीटा। इसका मतलब इस आर्क का लेंथ एल कितना होना चाहिए, आर थीटा। तो हमें इसको याद रखना है, रटे रहना है। तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि किसी भी सर्कुलर आर्क का लेंथ अगर आपसे पूछता है तो आपको याद होना चाहिए कि एल बराबर क्या होता है, आर थीटा, जहां आर क्या है उस सर्कुलर आर्क का रेडियस है, थीटा क्या है कि सर्कुलर आर्क अपने सेंटर पे कितना एंगल सस्टेन कर रहा है इन रेडियन, और आर के यूनिट और एल के यूनिट सेम होगा। ओके, जैसे ये क्वेश्चन करते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए एक सर्कुलर आर्क है जो कि अपने सेंटर पे 30 डिग्री सस्टेन कर रहा है, 30 डिग्री, और ये जो रेडियस है ये 7 मीटर के बराबर रेडियस, तो बताइए इस सर्कुलर आर्क का लेंथ कितना होगा, तो आप लेंथ क्या लिखेंगे, एल बराबर आर थीटा, आर क्या है 7 मीटर और थीटा क्या है 30 डिग्री, और 30 डिग्री का रेडियन वैल्यू क्या होती है, पाई बाई सिक्स, अभी तो निकाले थे 30 डिग्री का पाई बाई सिक्स, तो वैल्यू क्या आ गई, 7/6 पाई, और ये मीटर में है तो लेंथ भी किस में आएगा, मीटर में। अब पाई की वैल्यू हम चाहे तो लिख सकते हैं 22/7, तो लेंथ क्या हो जाएगा, 7/6 इंटू 22/7 मीटर, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू जाएगी 11/3
थ्री मीटर। इसका मतलब इस सर्कुलर आर्क का लेंथ क्या है, 11 अपॉन 3 मीटर। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए इस तरीके से होता, इस तरीके से होता, और ये अपने सेंटर पे, ये एंगल सेफ्ट एंगल था 60। तो कोई पूछता है कि इस सर्कुलर आर्क का लेंथ बताइए जबकि रेडियस दिया गया सपोज करो 14 मीटर। अगर रेडियस 14 मीटर है तो सर्कुलर आर्क का लेंथ बताइए। तो आप लेंथ क्या लिखेंगे, आर थीटा, आर के जगह 14 लिखेंगे इंटू थीटा, थीटा रेडियन में। लेकिन क्वेश्चन है कि थीटा को हम 60 लिखें क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि हमें इस सर्कुलर आर्क का पूछ रहा है ना। तो ये सर्कुलर आर्क अपने सेंटर पे एंगल तो ये सफेंड कर रहा है, ये एंगल, और ये एंगल क्या होगा 300 डिग्री, नहीं होगा, क्योंकि पूरा एंगल 360 और ये 60, तो एंगल क्या आएगा 300। इसका मतलब 300 डिग्री को रेडियन में बदलना पड़ेगा। तो लगाएंगे यूनिटरी मेथड, ये 300 डिग्री को रेडियन में बदलना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि 180 डिग्री, 180 डिग्री में कितना रेडियन होता है, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री में कितना रेडियन, पाई अपान 180। तो कोई पूछे 300 डिग्री में कितना रेडियन, तो वैल्यू क्या आएगी, पाई अपान 180 इंटू 300 आ गया। और यही क्या थीटा होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि रेडियन में आ गया। इस वैल्यू को उठा के यहाँ प्लेस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 14 इंटू पाई इंटू 300 डिवाइड बाई 180। तो जीरो से जीरो कटेगा और ये हो जाएगा कितना, 36 कैंसिल आउट होगा और ये हो जाएगा 140 पाई डिवाइड बाई 6 और 2 से भी कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 70 पाई अपन 3 और मीटर में, तो आंसर आएगा मीटर में। अब पाई की वैल्यू तुम चाहो तो प्लेस कर सकते हो, ना चाहो तो इतना ही करके छोड़ दो, तो भी आंसर ये सही है। प्लेस करते हैं 70/3 इंटू 22 अपन 7 मीटर, तो कितना हो जाएगा 220 अपन 3 मीटर, कैलकुलेट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी सर्कुलर आर्क का लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पर्सन है जो यहाँ से स्टार्ट करता है मोशन, 4 मीटर आगे चलता है और उसके बाद एक सर्कल पे ऐसे घूम के यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, जबकि इसका रेडियस दिया गया 7 मीटर। तो अगर ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, कोई पूछे कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय पर्सन, टोटल डिस्टेंस कवर बाय पर्सन, तो क्या करेंगे, इस दूरी को इस दूरी में जोड़ देंगे, तभी तो टोटल डिस्टेंस आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू ये दूरी 4 मीटर प्लस ये लेंथ। तो ये जो है ये तो सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल अपने सेंटर पे कितना एंगल शिफ्ट कर रहा है 180, और 180 का रेडियन वैल्यू क्या होती है, पाई। तो ये लेंथ क्या होगा, आर थीटा, तो आर कितना है 7, और ये सर्कल अपने सेंटर पे कितना एंगल शिफ्ट किया, पाई। तो आंसर हो गया 4 प्लस 7 और पाई की जगह 22 अपन 7, तो 7 कट गया, तो बन गया 26 मीटर इज आंसर। तो इस पर्सन ने टोटल 26 मीटर की दूरी तय की। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अगर मान लो इस तरीके से होता, मैं कहूँ आपसे कि एक पर्सन है जो यहाँ से स्टार्ट करता है, पहले इधर चलता है, इसके बाद वो इधर चलता है, इसके बाद उस एक सर्कल का आर्क बना के यहाँ पे आता है इस तरीके से, जहाँ पे ये 90 डिग्री है और इसका सेंटर यहाँ पे है, ये सेंटर है, ये 90, दिस वन इज 90, ये सेंटर। तो ये पर्सन इस पॉइंट ओ से इस बी तक जाता है, और क्वेश्चन दिया है कि ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है, और दिस लेंथ इज 14 मीटर एंड दिस लेंथ इज 10 मीटर। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए उस पर्सन ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। अगर आपको पता करना कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप क्या करेंगे, इस दूरी को प्लस ये दूरी करेंगे, आंसर आ जाएगा, ये दूरी क्या है 14 मीटर, लिख दिया 14 मीटर, प्लस ये दूरी क्या है 10 मीटर, क्योंकि इसके बराबर है, आ गया 10 मीटर, प्लस इस सर्कुलर आर्क का लेंथ कितना पड़ेगा, तो सर्कुलर आर्क का लेंथ क्या होगा, अगर ये सेंटर है और ये 90, ये 90 है, तो दिस एंगल विल बी 90, क्योंकि इस तरीके से ना दिस एंगल विल बी 90, तो दिस इज 90, और 90 के रेडियन वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 2। तो इस सर्कुलर आर्क का लेंथ क्या होगा, आर थीटा, और थीटा यहाँ पे पाई बाय 2। अब हमारा टास्क क्या, आर निकालना। अच्छा, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो जितना ये होगा क्या उतना ही ये होगा, हाँ, अगर उतना ही ये होगा तो इस दूरी को मैंने एक्स मान लिया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 30 डिग्री बराबर एक्स अपान 14, साइन 30 बराबर एक्स अपान 14, एंड साइन 30 क्या होता है, हाफ होता है, तो एक्स अपान 14 बराबर हाफ, तो एक्स वैल्यू क्या आ गई,
7। इसका मतलब मैं ये जो x है वही रेडियस है, वही रेडियस है, तो x और r बराबर हो गया ना, तो r के बराबर आ गया। तो इस r की वैल्यू 7 उठा के मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 प्लस 10 प्लस 7 बाई 2 इंटू पाई, और पाई क्या होता है 22 अपान 7, तो 7 से 7 कट गया, ये वैल्यू हो गई 24 n प्लस 11। नाउ आंसर इज 35 मीटर्स। इसका मतलब कि इस पर्सन ने टोटल 35 मीटर की दूरी तय की। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंगल मेजरमेंट, एंगल का मेजरमेंट। तो हम इसी से ध्यान रखेंगे कि अगर हम लोग एंटी क्लॉक वाइज एंगल मेजर करेंगे, एंटी क्लॉक वाइज, तो एंगल क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। और वही अगर हम लोग क्लॉक वाइज एंगल मेजर करेंगे तो एंगल क्या लिखेंगे, निगेटिव। आप जानते हो जैसे अगर कोई कहे कि इस तरीके से और ये एंगल मेजर करना है, तो दिस एंगल इज पॉजिटिव। अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो आप थीटा बराबर क्या लिखेंगे, पॉजिटिव 120 डिग्री, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। अच्छा, ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज नहीं, हम पे डिपेंड है। आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव मानो तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाएगा, बट कैलकुलेशन को करने के लिए बच्चे इन जनरल याद रखते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानेंगे और क्लॉकवाइज को निगेटिव मानेंगे, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। ओके, अगर इस तरीके से कोई है और दिस एंगल इज 60 डिग्री, कोई क्या कि एंगल का मेजरमेंट करिए, तो इस एंगल का जब मेजरमेंट करेंगे तो थीटा क्या लिखेंगे, माइनस 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि आप हॉरिजेंटल से आप ऐसे घूम रहे हैं ना, इस तरीके से ऐसे घूम रहे हैं, तो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज निगेटिव होता है, तो माइनस 60 डिग्री। और अगर आप इसके थ्रू लिखना चाहते हैं तो इसी थीटा को आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, थीटा वन को, ये 300 डिग्री बनेगा क्योंकि 60 है, तो प्लस 300 डिग्री लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये मेजरमेंट एनी क्लॉकवाइज है तो प्लस, और ये मेजरमेंट क्लॉकवाइज है तो माइनस, और दोनों ही एग्जैक्ट सेम वैल्यू है। ओके,